हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा शियांगवेन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा लवांग जी था ना, वो बेचारा यहाँ पर अपने अंकल के साथ आया हुआ था वे वुशन के घर में। और यहाँ पर उसकी जो आंट थी यानी कि मिसेस वे थी, वो यहाँ पर आराम से बैठी होती हैं। वांग जी जो था उसे खाने के लिए बहुत सारा सामान देती हैं। वांग जी जो कि ऑलरेडी थक चुका था, उन्हें फिर एक रूम भी असाइन कर दिया गया था, उन्हें गेस्ट रूम में सोने के लिए बोल दिया गया था। अंकल चरण आज वांग जी के साथ ही रूम में रुक रहे थे। वांग जी और जो उसके अंकल थे वो इतना ज़्यादा थके हुए थे कि वो डिनर का भी वेट नहीं करते, बल्कि वो पहले ही अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर ऑलरेडी खाना खा चुके थे। उसके बाद वो थक के हारे सो जाते हैं। यहाँ पर जो उसके अंकल थे ना, वो ये सोचते हैं कि सुबह वो लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी को एक बार देख लेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर मिसेस वे ने बोल दिया था कि उन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चरण जो थे वो सुबह के सुबह ही 5 बजे अगले दिन निकल जाते हैं। वांग जी यहाँ पर पहले सैड होता है। उसके अंकल यहाँ पर बिना उसे बताए ही निकल गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो वांग जी को बता के जाएंगे तो वांग जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। वांग जी यहाँ पर सोया हुआ था क्योंकि उनकी थकान बहुत ज़्यादा थी। उसके अंकल सुबह 3 बजे ही नहा धोकर अपनी गाड़ी तैयार रखवा ली थी, जो कि उन्होंने मिसेस वे से यानी कि विभूषण की मॉम खांसी सरन से ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे जल्दी निकलना है। और वो सुबह सुबह ही वांगजी को बिना उठाए चले जाते हैं, वांगजी की चीक्स पे किस करके। उनका पैरा नेफ्यू की एक न्यू लाइफ शुरू हो रही थी। वांगजी यहाँ पर सोता रहता है, और अचानक से उसकी जो नींद थी ना, वो उसके अंकल के जाने के बाद, क्योंकि उसके अंकल जो थे वो ऑलमोस्ट 3 बजे नहा धोकर 4 बजे तक निकल गए थे। पास में ही यहाँ पर स्टेशन था, वो उसके लिए निकल गए। और उसके बाद वांगजी की नींद खुली होती है सीधा 7:15 बजे। वो उठता है और उठकर देखता है कि ओह, मैं इतनी लेट हो गया अंकल। वो देखता है कि उसके अंकल चले गए थे। वांगजी यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसे लगता है कि यार, उसके अंकल क्यों चले गए? सच में उसे यहाँ पर अकेले कैसे बीतना होगा। वांगजी पहले तो पूरे कमरे में शायद बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही ज़्यादा चुप बैठा रहता है। उसकी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था, दैट मीन्स उसे भूख लगी थी। यहाँ पर उसे शर्म आ रही थी, वो कैसे जाए, क्या करे, क्या ना करे। यहाँ पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वांगजी पहले तो नहाने जाता है, अपने आप को शावर वगैरह लेता है, और उसके बाद वो यहाँ पर नहा धोकर ही ब्रेकफास्ट टेबल के लिए नीचे जा रहा होता है। जब वो ब्रेकफास्ट टेबल के लिए नीचे जा रहा होता है ना, तो यहाँ पर वांगजी जो था वो देखता है कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारी खंगसे सरन और उनके जो पति थे वी जांग से, और हमारा वे वुशन जो कि इस पूरे खानदान का बड़ा बेटा है, वो बैठे हुए थे सारे के सारे अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर, सारे न्यूज़ पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर से आराम से न्यूज़ को वो हैंडल कर रहे थे। उसके बाद वांगजी यहाँ धीरे से आता है और यहाँ पर सबको ग्रीट करता है, हेलो। जैसे ही वो हेलो बोलता है, यहाँ पर वेवुशन तो अपनी न्यूज़ पढ़ने में ही लगा हुआ था, न्यूज़पेपर उसके चेहरे के सामने था। वी जंग से भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो अचानक से न्यूज़पेपर रख देते हैं और वो सारे के सारे वांगजी को ग्रेट करने लगते हैं। कांगसे सरन उसे अपने पास बैठाने के लिए बोलती हैं और वांगजी जो है वो अपनी आंट के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर वांगजी जो था उन्हें ग्रीट कर रहा था, वो यहाँ पर बड़े ही प्यार से अपने हाथों से वांगजी को नाश्ता डाल के देती हैं। हालांकि उनके घर में बहुत सारे मेड थे, सब थे, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें मना कर देती हैं और बड़े ही प्यार के साथ वो वांगजी को परोसती हैं। वांगजी यहाँ पर बहुत पोलाइट सी स्माइल करता है। वांगजी एकदम से कहता है, मेरे अंकल क्या सुबह सुबह चले गए? तो वो कहती हैं, हाँ, तुम्हारे अंकल बहुत सुबह सुबह चले गए। वांगजी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ थी। सिर्फ वांगजी अभी 18 साल का एक मासूम सा बच्चा था, और उसकी मासूम सी आवाज़ सुन के पहली बार विभूषण जो था वो अपने न्यूज़पेपर को साइड करता है और उसकी तरफ निहारता है। उसे बहुत हैरान होता है कि ये बच्चा कितना छोटा सा है, और वो इस टीनेज 18 साल के लड़के को देखता है। वो यहाँ पर वांगजी को सिर्फ एक टुक देखता है और उसकी मॉम से कहता है, क्या यही वो लड़का है जिसका एडमिशन हमें करवाना है अच्छी यूनिवर्सिटी में? उसकी मॉम कहती है, हाँ, ये वही है जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था। तुमने इसका सारे पेपर्स वगैरह भिजवा दिए ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जब ये जाएगा? तो यहाँ पर वो कहते हैं, नहीं नहीं, इसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बाकी तुम बहुत छोटे लग रहे हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो। वांगजी यहाँ पर कहता है बहुत ही प्राउडली, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा होता है, और वो कहता है, मैं अपने यहाँ का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं स्कॉलरशिप जीता हूँ, मुझे पढ़ना है, अपने गांव के लिए तरक्की करनी है। यहाँ पर वेवुशन उसे देखकर कहता है, मुझे एम्बिशियस वाले लोग काफ़ी पसंद हैं। मैं होप करूँगा कि तुम कॉलेज जाके बिगड़ो ना, बल्कि अपने फोकस रखो अपने गोल पे। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाकर मटरगस्तियाँ करो। वैसे अगर तुमने कोई भी मिसचीवियस हरकत की तो मुझ तक तुम्हारे यूनिवर्सिटी से फ़ोन आ ही जाएगा। यहाँ पर वांगजी जो है वो
उसका ऑरा देख के थोड़ा सा घबरा रहा था। विभूषण ने प्रॉपर काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी सूट बूट एकदम गले से लेकर उसकी टाई, उसकी सारी चीज़ें एकदम, उसमें एक छोटी सी भी क्रीज नहीं आई हुई थी, छोटी सी भी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रेस हुए हुए कपड़े, छोटी सी भी मतलब उसमें रिंकल नहीं थे। और ये सारी चीज़ें देख के वांगजी एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ पर विभूषण की जो मॉम थी वांगजी को बड़े प्यार से सर्व कर रही थी, तो यहाँ पर विभूषण कहता है, मॉम वो छोटा नहीं है, आप उसे अपने हाथों से खिला रहे हो। तो मिसेस वे जो हैं वो कहती हैं, तुम बड़े हो गए हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, बट वांगजी मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये जो मेरे बेटे, मेरे अल्फा बच्चे इतने ज़्यादा रूड हो चुके हैं और अपनी माँ को टाइम नहीं देते, ये मुझे टाइम देगा, मुझे हर जगह लेके जाएगा। क्यों वांगजी, लेके जाओगे ना? तो यहाँ वांगजी बिल्कुल नोट कर देता है। विभूषण उसे कहता है, मदर आप अपने लिए अपनी दोस्त के बच्चे का इस्तेमाल कर रही हैं, ओफो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हे लिटिल डेविल। यहाँ पर विभूषण उसे जान के लिटिल डेविल बोल के चिढ़ाता है और कहता है, मेरी मॉम के ज़्यादा भी करीब में मत जाना, वरना ये तुम्हें हमेशा अपना नौकर बना के रखेंगी, अपनी शॉपिंग पे लेके जाएंगी, तुम्हें स्पॉइल करेंगी और तुम्हें तुम्हारे गोल से भटका देंगी। थैंक्स टू डैड मैं बिल्कुल भी मॉम के साथ इन सब चीज़ों में नहीं जाता। यहाँ पर उसके पापा मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं, वो तो मैं भी नहीं जाता। यहाँ पर कंसेसरन कहती है, तुम चलते होते तो बात ही क्या थी, जब तुम दोनों बच्चे छोटे थे ना तुम्हारे पापा हर जगह मेरे साथ जाते थे, लेकिन अब इन्हें टाइम ही नहीं होता। वी जंग से कहते हैं, ओफो तुम्हें पता है कि मैं बिजनेस में कितना बिजी रहता हूँ। खंग से सरन कहती हैं, इसलिए तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ अब क्यों होगा, ज़रूर वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर सेक्रेटरी जो आती हैं। विभूषण कहता है, मॉम इनकी सेक्रेटरी जो है वो एक बीटा है और मेल है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, ओफो तुम बिना हर जगह तुम लोगों को अपने पापा का साइड लेने ज़रूरी है क्या? कोई भी मेरी साइड नहीं लेता। वांगजी तुम बहुत अच्छे बच्चे बनना, मेरी साइड लोगे ना? वांगजी यहाँ ऑकवर्ड सी स्माइल करके कहता है, मैं आपकी साइड लूँगा। विभूषण कहता है, ओह तो तुम मेरी मॉम के खेमे में जाना चाहते हो, गाय मज़ा आएगा, वेरी गुड, तुम उनका साथ देना, उसके बाद मैं देखता हूँ तुम्हारी क्लासेस में, मैं देखता हूँ तुम फिर मेरे पास आते हो या नहीं, डैड का खेमा ज्वाइन कर लो, ज़्यादा खुश रहोगे। यहाँ पर भी जांग से कहते हैं, नहीं नहीं वैसे भी ये इसकी फ्रेंड का बेटा है, तुम जानते नहीं उसने हमारी कितनी मदद की थी, अगर आज उसने मदद नहीं की होती और सारे गांव वालों ने मिलके हमें यहाँ पर प्रेज नहीं किया होता तो आज हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। ये सब कुछ उन्हीं लोगों का है। और ऐसे में याद रखना विभूषण, तुम या बींग दोनों में से किसी ने वांगजी को अगर बुली किया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। विभूषण कहता है, फो डैड आप इस लड़की की वजह से मुझे कह रहे हैं, आपको लगता है मैं ऐसा हूँ जो किसी को बुली करता हूँ? यहाँ पर उसके पिता कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे तो ऑरा से ही सारे डर जाते हैं। यहाँ पर विभूषण जो था वो वांगजी की तरफ घूर के देखता है, वांगजी डर जाता है, मुंडी नीचे करके धीरे 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 सब खारा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आकर किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। वांगजी बेचारा खा के हटा था। तो यहाँ पर विभूषण की जो मदर थी यानी कि मिसेस वे, यहाँ पर कहती हैं कि तुम्हें इसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना बल्कि तुम्हें इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने जाना है। विभूषण कहता है, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सॉरी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वांगजी कहता है, बट अगर डेट निकल गई तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। वो कहती हैं, तुम क्या बच्चे हो क्या, तुम जा नहीं सकते, और वैसे भी मैंने फ़ोन करके सारी चीज़ें कह दी हैं, तुम आ जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वांगजी कहते हैं, बट मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं, ओ कम ऑन तुम्हें यहाँ पर खुद से सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फादर मदर ने ये सिखाया नहीं क्या? थोड़ा सा रूड वे में जब विभूषण बोलता है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे डांट देती हैं और कहती हैं, खबरदार वांगजी से इस टोन में बात की तो, तुम नहीं जाओगे तो मैं विंग को इसके साथ भेज दूंगी। यहाँ पर विभूषण कहता है, वट एवर मुझे कोई लेना देना नहीं है मॉम, वैसे भी मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डैड मुझे लगता है हम लोगों को चलना चाहिए, वो लोग ऑलरेडी नाश्ता कर चुके थे। और यहाँ पर विभूषण जो था वो आराम से उठता है, अपने यहाँ पर वो ब्रीफकेस लेता है, उसके फादर भी ब्रीफकेस लेते हैं और वो लोग यहाँ पर आराम से आगे के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर मिसेस वे कहती हैं, मेरे बेटे की बात का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंट नहीं रहा, वो इंडिपेंडेंट है और उसे लगता है जिस तरह से वो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी घूमता फिरता है, सबको ऐसा ही होना चाहिए, बट वो भूल गया बहुत सारे लोग इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते। मुझे माफ़ करना बेटा अगर तुम्हें बुरा लगा हो, रूड लगा हो। या पर वांगजी कह देते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और वैसे भी कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, वो जो कुछ चाहे कह सकते हैं। या पर उसकी मॉम सर्वेंट से कहती हैं, जाओ विंग को बुला के लेके आओ, वो सारा दिन कल पूरी रात भी घर वापस नहीं आया।
वहीं जाकर सोता रहा। उसकी वर्कशॉप को मैं आग लगा दूंगी अगर वो दोबारा से, उसने डिनाई किया मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर एक सर्वेंट जो था वो भागा भजा जाता है, वो विंग को यहाँ पर जो कि सो रहा था बुरी रात काम करने के बाद, उसे उठा देता है। विंग कहता है, क्या है, मैं नहीं उठ रहा, अगर तुमने दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। यहाँ पर कहते हैं कि आपकी मॉम ने कहा है अगर आप टाइम से अपनी वर्कशॉप को छोड़कर ब्रेकफास्ट करने नहीं गए तो वह आज आपकी वर्कशॉप में आग लगा देंगी। और विंग ये सुनकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसकी मॉम पहले भी जब बचपन में वो चीज़ें बनाता था लेकिन जब वो पढ़ाई नहीं करता था तो उसकी सारी चीज़ें तोड़कर डस्टबिन में फेंक देती थी। उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता था जब वे विशन अपने फैमिली की चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट करता था अपने पैशन के पीछे। तो यहाँ पर वो जानता था कि उसकी मॉम अगर कह रही हैं कि आग लगा देंगी तो वो सच में उसकी पूरी वर्कशॉप जला डालेंगी। तो यहाँ पर वो बेचारा इमिडिएटली खड़ा होता है और कहता है, मॉम ने कहा है चलो चलो चलो। वो कहते हैं, मास्टर बट आप नए नहीं हैं। वो कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसका मुँह पूरा टाइम काम कर करके थोड़ा सा उसके गंदगी लगी हुई थी। वे विशन जो है वो यहाँ पर पहले तो कहता है, रुको रुको, मॉम को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, पहले मैं हाथ मुंह धो लूँ। यहाँ पर वो फेस वॉश से अपना चेहरा धोता है और यहाँ पर वो हैंड वॉश से अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेता है। और उसके बाद वो अपने पैरों को भी बहुत अच्छे से पानी के नीचे क्लीन करता है और फिर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम को डर्टनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्हें घर के किसी भी कोने में डर्टी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कितना चीखती हैं जब उन्हें ऐसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पर वेवशन जो है वो अचानक से अंदर आता है और कहता है, मॉम मैं आ गया। विंग की जो आवाज़ थी ना उसे सुन के लंजा जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है कि अभी तो ये इंसान काले कपड़ों में बाहर गया था और अचानक से ये सैंडों में क्यों आ रहा है, और यहाँ पर इसके बाल भी छोटे हो गए हैं। विंग को ऐसे देखता रह जाता है लंजा। यहाँ पर लंजा को विंग देखता है कि उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ है और लंजा यहाँ पर उसकी मॉम के साथ बैठ कर कुछ नहीं कर रहा होता, सीधा सिंपली उसकी मॉम को देख रहा था, क्योंकि ना तो उसे ज़्यादातर कोई फ़ोन फान चलाने आते थे और ना ही कुछ ज़्यादा आता। यहाँ पर वो देखता है, हे छोड़ो, तुम जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आओ, मॉम आप कैसी हैं। सीधा यहाँ पर वो आता है और कांग से सरन के गले लग जाता है और उसे चीक्स पे किस करके कहता है, मम्मा सॉरी मैंने आपको बहुत मिस किया, कल रात मैं बहुत बिजी था, मैं अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। यहाँ पर उसने वांगची को देखकर कहा, तुम अभी तक गए नहीं, जाओ मेरे कॉफ़ी बना के लेके आओ। वांगची बेचारा इमिडिएटली खड़ा होता है लेकिन उसे यही नहीं पता कि कॉफ़ी बनाने के लिए किचन कहाँ है। वो यहाँ पर कांग से सरन को देख रहा होता है। कांग से सरन मुस्कराती है और कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठो। ये कैसी बात है विंग, तुम घर के आए गेस्ट को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। विंग कहता है, गेस्ट कौन गेस्ट। वो कहती हैं, ये मेरी सहेली, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसका बेटा है। विंग पहले तो ऊपर से नीचे तक वांगची को देखता है और कहता है, ये बेटा है पर इसने कपड़े बहुत अजीब से पहने हुए हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं, विंग ऐसे नहीं बोलते, तुम उसके इंसल्ट नहीं कर सकते। वो कहता है, मॉम आपको इसे थोड़ी शॉपिंग करा लेनी चाहिए, आप जानते हैं ये आउट ऑफ फैशन कपड़े इसने पहने हुए हैं, कोई भी यहाँ पर इसे सर्वेंट समझ लेगा और अगर ये लोगों को जाकर बताएगा कि वो हमारे घर से आता है तो वहाँ पर उसका मजाक ही उड़ेगा, तो अच्छा होगा आप इसे शॉपिंग पर ले जाएँ और अच्छी सी चीज़ें दिला दें। उसकी मॉम कहती हैं, मुझे क्या पता कि शॉपिंग में आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, मुझे लगता है तुम्हें इसे ले जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे भाई को तो सिर्फ काले कपड़े बहुत पसंद हैं, वो तो काले कपड़े सूट बूट में रहता है, तुम्हारी कैजुअल्स को लेकर चॉइस ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम इसे शॉपिंग के लिए ले जाओगे। वैसे उससे पहले इसे यूनिवर्सिटी ले जाओ बेटा, इसका एडमिशन करवाना है, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो तुम्हारी मॉम क्या मुँह दिखाएगी अपनी सहेली को और फिर मैं उन लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊँगी। विंग कहता है, मॉम ऐसे मत कहिए, आप जानती हैं मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, डैड से ज़्यादा क्लोज विभूषण है, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा कभी नहीं होने दूंगा। ये छोड़ो, तुम तो लिटिल डेविल लग रहे हो। यहाँ पर अमेज्ड हो जाता है लवांग जी कि इसका डुप्लीकेट भाई यानी कि अभी वेवशन ने भी उसे लिटिल डेविल बोला था और यहाँ पर ये भी उसे लिटिल डेविल बोलता है और कहता है कि तुम्हें मैं ले जाऊँगा, चलो जाके कपड़े चेंज कर लो। यहाँ पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने कपड़े ऑलरेडी चेंज किए हैं, मैं रेडी हूँ। विंग यहाँ पर उसे देख के कहता है, ये कपड़े पहन के जाओगे। मॉम मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से पहले इसे शॉपिंग लेके जाना पड़ेगा, थोड़े पैसे दे दो ना, मुझे खर्चा लगेगा। उसकी मॉम कहती हैं, अभी मैंने तुम्हें ऑलरेडी 2 दिन पहले ही कितना सारा अमाउंट अलॉट किया है। यहाँ पर वो कहते हैं, बट मैंने उस पैसों को अपने प्रोजेक्ट के लिए रखा है, वो पैसे किसी की शॉपिंग के लिए नहीं है, और इसकी शॉपिंग के लिए मैं क्यों पैसे दूँ, ये मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, ये तो आपका रिश्तेदार है, मॉम प्लीज़ थोड़े से पैसे दे दो ना। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, और वो आराम से अपने फ़ोन पे क्लिक करती हैं और विंग के अकाउंट में काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। विंग कहता है, यू आर द बेस्ट मॉम, और वो उनके चीक्स पे किस करता है।
वांगजी देखता है कि इतनी इजीली पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए। वांगजी थोड़ा शौक था चीज़ों को ले लेके। यहाँ पर वांगजी को विंग कहता है, चलो पहले तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊँगा। वांगजी कहता है, बट हम लेट हो गए। तो विंग कहता है, ओफो तुम क्या हमारी वे फैमिली को कम लगा रहे हो। हम जहाँ जाते हैं वो VIP टाइम बन जाता है, और तुम्हें क्या लगता है वो लोग मुझे अफोर्ड करेंगे। वैसे मैं अभी नहा के आता हूँ, थोड़ा वेट कर लोगे लिटिल डेविल। यहाँ पर लवांगची उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम लिटिल डेविल नहीं है, मेरा नाम लवांगची है। वो कहता है, वट एवर लवांगची कहो या लिटिल डेविल, वैसे तुम पे लिटिल डेविल ज़्यादा सूट कर रहा है। वांगजी यहाँ पाउट बना के बैठ जाता है। यहाँ पर वो पास आता है वांगजी के, चीक्स खींच के फटाफट से चला जाता है और कहता है, मैं अभी नहा के आया लिटिल डेविल, यहीं बैठे रहना। मॉम इसे कहीं भेजना मत, और इसे कहो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेगा, ओरिजिनल भी। यहाँ पर वांगजी ने ऑलरेडी एक फाइल बनाकर लेके आ गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे। और यहाँ पर विंग भी नहा धोकर आता है। विंग जब नहा धोकर आता है ना, उसने अपनी शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन दो ऊपर से खुले थे, और वो बहुत सेक्सी लग रहा था। उसका डिओड्रेंट बहुत अच्छी, उसके पास से बॉडी मिस्ट जैसी खुशबू आ रही थी, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी थी कि वांगजी तो यहाँ पर एकदम उसे देखता ही रह जाता है। उसके शॉर्ट कट में बाल बहुत सेक्सी लग रहे थे, और यहाँ पर वो चश्मा लगा कर नीचे आया हुआ था। वांगजी जब उसे घूर के देख रहा होता है ना, वो कहता है, लिटिल डेविल मुझे क्या देख रहे हो, क्या हुआ, मेरे जैसा हैंडसम अल्फा नहीं देखा क्या जो मुझे देखते रह गए हो। चलो अब मुझे ही घूरते रहोगे या चलना नहीं है एडमिशन करवाने। वांगजी यहाँ पर हेजिटेट होता है, तो यहाँ पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जल्दी चलो। उफो एक तो ये मुझे ना ये सब काम जाना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ना जाने कितने फैंस होंगे मेरे जो मुझे वहाँ देखते ही मिलने आ जाएं। यहाँ पर लवांगची जो है उसे गाड़ी में बैठाकर वेवोशन कहता है, पहले मॉल की तरफ ले लो। वांगची कहता है, बट मैं लेट ना हो जाऊँ। वो कहता है, ओफो तुम बिना कहीं लेट नहीं हो रहे, मैंने कहा ना तुम्हें तुम्हारा सारा काम मैं करवा दूंगा, मैंने मॉम को प्रॉमिस किया है, और मॉम को अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पर वो कहता है, चलो मॉल की तरफ ले लो। देखते हैं गाइस कितना मज़ा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें, और जब वेवोशन कराएगा हमारे वांगजी को शॉपिंग, तो वांगजी के होश एकदम फाख्ता हो जाएंगे इतनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें देख के, और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।